अगर नहीं करेंगे स्कूल ये काम तो उनकी एफिलेशन, उनकी रिकग्निशन जो कि कैंसिल हो सकती है। एक बड़ा अपडेट लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। बड़ा अपडेट क्या वो भी बताना चाहेंगे। स्कूल बैग्स यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में एक आदेश पारित हुआ था स्कूल बैग की वेट पॉलिसी को लेकर। आदेश तो पारित होते हैं पर उन्हें लागू नहीं किया जाता। ये बड़ी विडंबना की बात है कि आखिर क्यों जो प्रशासन इस पर गौर नहीं कर रहा कि जो कंसर्निंग विभाग हैं वो आखिर क्यों गहरी नींद सोते हैं, क्यों नहीं उन आदेशों को इम्प्लीमेंट किया जाता जो लगातार सरकार की ओर से आदेश आते हैं। अब स्कूल बैग जिस तरह से आप जानते हैं आए दिन छोटे छोटे बच्चों को आपने भी देखा होगा किस कदर भारी भरकम बैग उठाना पड़ते हैं जिसके चलते उन्हें बैक एक पेन की प्रॉब्लम होती है, उनकी घुटनों की प्रॉब्लम होती है, बच्चों का इतना खुद का वेट नहीं होता जिसके चलते डबल और ट्रिपल भी कहेंगे कि उनके बैग्स का वेट होता। उसी के चलते अब कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया और कड़े आदेश जारी कर दिए। और बताना चाहेंगे आपको कि कितना वेट होना चाहिए, कितनी क्लास के बच्चों का, वो भी बताना चाहेंगे। जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी कहीं ना कहीं ये भी ये कहा गया था कि कोई भी क्लास नर्सरी एलकेजी फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, यानी घर के लिए। स्कूल में भी जो होगा वही करवाया जाएगा बल्कि घर में नहीं दिया जाएगा। उसी के चलते बताना चाहेंगे कोई भी जो कि बुक होगी पर्सनल बुक कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं की जाएगी। ये साफ तौर पर आदेश पहले ही दिए जा चुके थे नर्सरी एलकेजी और यूकेजी को। और बताना चाहेंगे दो बुक्स मैक्सिमम बताया गया कि दो नोटबुक्स और एक वर्क बुक होनी चाहिए, यानी कि जो नर्सरी एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं। और साथ ही साथ जो बुक्स होंगी वो टीचर की कस्टडी में रहेंगी, यानी बच्चे जो स्कूल में जाएंगे वो टीचर के पास बुक्स रहेंगी। जब भी स्कूल में जाकर काम करेंगे उसके बाद फिर से टीचर के पास बुक, यानी कोई भी जो स्कूल बैग में उनकी बुक्स नहीं होंगी। साथ ही साथ बात करें प्री प्राइमरी जो स्टडी करने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साफ तौर पर कहा है कोई भी, यानी कि उन्हें अपना बैग लेकर नहीं जाना है, यानी स्कूल में उन्हें बैग लेकर नहीं जाना जिसमें भारी भरकम बुकें, उन्हें सिर्फ एक छोटा सा बैग कैरी करना जिसमें उनका लंच बॉक्स या वाटर बॉटल होगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए यानी उनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी उन्हें बुक लेकर जाना है। लैंग्वेज अर्थमेटिक ये जो बुक्स हैं इन्हें कैरी करनी है, यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड को, क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को लैंग्वेज अर्थमेटिक और एनवायरमेंटल साइंसेस ये बुक उन्हें कैरी करनी है। और उसी के चलते बताना चाहेंगे क्लास सिक्स टू सेवन्थ की बात करें लैंग्वेजेस सोशल साइंसेज मैथमेटिक्स एंड साइंस नो अदर बुक, यानी कोई भी और बुक इन्हें नहीं लेकर जानी है। और साथ ही साथ अब बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के स्कूल का बैग जो है उनका कितना वेट होना चाहिए, कितनी की कौन कौन सी क्लास का। बताना चाहेंगे जो वेट ऑफ स्कूल बैग्स है सबसे पहले प्री प्राइमरी स्कूल्स को, उनके लिए कोई बैग नहीं है, कोई बैग उन्हें नहीं लेकर जाना है। अब फर्स्ट टू सेकेंड क्लास के जो बच्चे उन्हें किस वेट का बैग लेकर जाना है, यानी उनके बैग का जो वेट होगा वो लगभग 1.5 किलो होगा, यानी 1.5 kg होगा। चाहेंगे थर्ड टू फोर्थ क्लास का जो बैग है उनके बैग का वेट 3 kg होना चाहिए। सिक्स टू सेवन्थ की बात करें तो 4 kg वेट बैग का जो वजन है या वेट होना चाहिए। एट टू नाइन्थ है 5 kg और टेंथ क्लास के बच्चे का जो वेट है बैग का वो 5.5 यानी 5.5 किलो होना चाहिए। और अगर कोई भी स्कूल इसकी वेला करते हैं कि यानी कि जो वेट बताया गया आदेश के मुताबिक अगर उससे ज़्यादा बच्चों के बैग का जो वेट होगा हैवी होगा तो उन स्कूलों की यानी कि ये कहेंगे कि उनकी जो एफिलेशन है वो उसे फिलहाल या रिकॉग्निशन है उन्हें फिलहाल रद्द किया जाएगा। ये साफ तौर पर आदेश आया है। सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों को आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो है अपनी उम्र से ज़्यादा उनके जो बैग्स इतने हैवी होते हैं, यानी इतने हैवी वेट होते हैं कि कई बार बच्चे अपने बैग के पीछे गर्दन की बात करें पेन की बात करते हैं घर आके, या नीज की बात करें घुटनों में जब वेट पड़ता है तो बच्चे आके घर में दर्द से कराते माता पिता को बताते हैं, या यूँ कहें बैग पूरी उनकी पेन करती है। क्योंकि इसी वजह से जितना बच्चे का वेट नहीं उससे भी भारी भरकम उनको बैग कर स्कूलों में जाना पड़ता है और उसी के चलते फिर वापस आना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों की फिजिकल ग्रोथ में काफी सारी बाधाएं आती हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी अगर बात करें वहां पर भी कई बाधाएं आती हैं, कई बार उन्हें कई फिजिकल परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह से पेन्स की बात करें या कोई और बात करें, क्योंकि उम्र से ज्यादा जब भी आप कोई काम करेंगे या वेट उठाएंगे या कोई इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करें तो परेशानी आती। छोटे मासूम बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े बैग उठाकर जाना उनके लिए काफी और उनके ग्रोथ में भी काफी परेशानी रही थी। उनकी जो ग्रोथ है उसमें भी कहीं ना कहीं कई सारी
परेशानी है, उसी के चलते अब ये आदेश आया। अब देखना ये है कि इस आदेश को कितनी जल्द किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और कितने स्कूल इसको इम्प्लीमेंट करेगा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है, जो कंसर्निंग विभाग है, वो इस पर कितनी सख्ती बरता है। आदेश आते हैं जाते हैं, पर उन आदेशों को इम्प्लीमेंट करवाना कहीं ना कहीं प्रशासन और कंसर्निंग डिपार्टमेंट का काम होता है। मीडिया तो बार बार समय समय पर आप लोगों को अपडेट करता है, पर सवाल बड़ा ये है कि आप आदेश पब्लिक डोमेन में आ तो जाते हैं, उन आदेशों को कितनी तरीके से, कितनी तेज़ी से पालना की जाती, कितनी गंभीरता से उन आदेशों को लिया जाता है, इस पर बात करना या इस चीज़ों पर विषयों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हम एजुकेशन डायरेक्टर से भी ये कहेंगे और साथ ही साथ LG महोदय से भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चों की ये भविष्य को और साथ ही साथ उनकी फिजिकल ग्रोथ को लेकर और उनकी जो यानी कि मेंटल एबिलिटी को कर इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि बच्चे पढ़ाई करें, पर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें यह ना लगे कि वो इतने कहीं ना कहीं उन्हें दबाया जा रहा है, इतना बैग उनके भारी भरकम बोझा दे दिया जाता है। पर अभी भी कुछ स्कूल लगातार इसकी वायलेशन कर रहे हैं, आदेश तो आ जाते हैं, वही बार बार हम कह रहे हैं कि वायलेशन कर रहे हैं कि जो आदेश आए हैं, जो आर्डर निकलता है, एक सर्कुलर निकलता है, उनमें जो जो चीज़ें हमें आपको बताई कि कितना वेट होना चाहिए, कौन कौन सी क्लास में बुक्स होंगी, कौन कौन सी क्लास में बुक्स नहीं होंगी और कौन कौन से बुक्स जो टीचर के पास डिपॉजिट रहेंगी, कितनी बुक बैग का वेट होगा, ये सारी चीज़ें हमने जो बताई हैं ये आदेश है, एक सर्कुलर है। पर अभी तक ये आदेश पारित यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये बड़ी बात है। आदेश तो निकले जाते हैं, अब इन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और प्रशासन सरकार ने करवाना, इस पर ज़्यादा गौर देना बहुत ही जरूरी बात है। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद भारत।